अंततः डेढ़ साल बाद शहर कांग्रेस को मिल ही गया जिला सदर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र शर्मा को मिला जिला सदर का दायित्व। आलाकमान ने दिग्गी राजा को सौंपा समन्वय बनाने का दायित्व। भाजपा के लिए आसान नहीं होगा 2018 का विधानसभा चुनाव। आलाकमान ने प्रदेश के 20 जिला सदरों की घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी को मिला चुनावी रणनीति का दायित्व। रोचक होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव। पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल को चुनाव रणनीति बनाने वाली कमेटी में रखा। आलाकमान ने कद और उम्र के अनुसार सौंपे दायित्व। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस इन एक्शन मोड। जी हां, कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि एक्शन के साथ इलेक्शन मोड में भी धीरे धीरे आ रही है। पिछले 18 महीने से खाली पड़े कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद को भारी माथापच्ची के बाद अंततः कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता देवेंद्र शर्मा के नाम पर इस पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस में समन्वय का दायित्व, समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश पचौरी को चुनावी रणनीति बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा प्रदेश के 20 जिलों के जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस में प्रदेश और जिला स्तर पर हुए व्यापक फेरबदल से ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 दिग्गज कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और अरुण यादव के नेतृत्व में ये नेतृत्व तो भाजपा के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आलाकमान द्वारा जिस प्रकार से संतुलन बनाते हुए जिम्मेदारियां सभी कांग्रेसियों को सौंपी गई हैं, उससे कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार माना जा सकता है कि शायद बेहतर हो, और अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा तो भाजपा के लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। कांग्रेस इन एक्शन मोड, इस पर चर्चा करेंगे आज के पैनलिस्ट अशोक शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमल बाकीजानी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और समीक्षक के रूप में सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप मांडरे। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और सबसे पहले एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया मांडरे साहब आपकी, किस तरह से देखते हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की नियुक्ति को? खासतौर से हम ग्वालियर की बात करेंगे। पहले ग्वालियर में 18 महीने से पद खाली था, अध्यक्ष विहीन कांग्रेस थी। देखिए, आपने सच कहा कि कांग्रेस एक्शन मूड में आ गई है, इलेक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जो कल नियुक्तियां की हैं ये लंबे समय से प्रतीक्षित थीं, और ग्वालियर में जो जिलाध्यक्ष पद खाली था वो भी लंबे समय से था। देवेंद्र शर्मा की हम बात करें तो देवेंद्र शर्मा के नाम पर, नाम को लेकर आज भी एक दो दिन बाद भी आश्चर्य के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो एक दावेदार, एक सक्रिय और एक उस दावेदार के रूप में नहीं थे जैसे और नेता थे, सुनील शर्मा जी थे, आज के पैनलिस्ट भी हमारे उन्हीं दावेदारों में से एक, अशोक शर्मा जी थे, एक मिस्टर राठौर भी थे, लेकिन इनको जो लिया गया है वो एक आश्चर्य के रूप में देखा जा रहा है। एक ये भी पार्टी में चर्चा का विषय है कि जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद जी, उनकी भी भूमिका इस चयन में हो सकती है, क्योंकि शंकराचार्य जी देवेंद्र शर्मा जी के बड़े भाई सूर्यकांत शर्मा, जो बिल्डर भी हैं, कॉलोनाइजर भी हैं, उनके यहाँ आते जाते हैं, उनके वहीं ठहरते हैं, और दोनों भाइयों का घर पास में ही है। अभी हाल में सिंधिया जी भी वहाँ गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था सिंधिया जी ने स्वरूपानंद जी से, और स्वरूपानंद जी ने कहा था कि आप प्रदेश संभालेंगे। तो ये जो है एक ये भी इन्हीं समीकरणों के चलते माना जाए कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा फिट हो गए? नहीं, अकेले ये नहीं है। देखो, राजनीति में कई प्रकार के फैक्टर रहते हैं, कई चीज़ें हैं। एक ये भी है कि सिंधिया जी के जो पीए हैं मिस्टर पारा सर, वो भी थोड़ा सा झुकाव उनका देवेंद्र शर्मा जी की ओर था। एक ये भी चर्चा है, दो सब चर्चाओं की बात है, किसी प्रकार का कोई ऐसा दस्तावेज या कोई नहीं है कि हम ये माना जाए कि ये सहयोग। मांडरे साहब, एक सहयोग मैं और बताता हूँ आप जी, ग्रामीण इनके कांग्रेस के अगर जिलाध्यक्ष की बात करें तो वो भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस में, बगावती तेवर दिखा के,
और अगर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की बात करते हैं तो ये भी 1998 में जो इनके समय कार्यकारी कार्यवाहक अध्यक्ष थे रमेश अग्रवाल के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वही आश्चर्य एक आश्चर्य भी है वही, और क्या ये परिपाटी अब कांग्रेस की यही मानी जाए परिपाटी कि तो, बाहर से आप लड़ो और आके यहाँ पर अध्यक्ष बन जाओ। परिपाटी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये जरूर है कि जो नहीं मैं जो समर्पित कार्यकर्ता मदन कुशवाहा लाखन सिंह तमाम सारे ऐसे उदाहरण है जो पीसीसी तक पहुंचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक चर्चा तो है जो समर्पित कार्यकर्ता है उनके साथ न्याय नहीं हो पाता, जो बाहर के हैं जिन्होंने कभी विद्रोह किया बगावत की चुनाव लड़ा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ उनको अच्छे मौके दे दिए जाते हैं, एक ये भी चर्चा है और ये चर्चा पार्टी के आने वाले चुनाव को देखते हुए ठीक नहीं है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अशोक शर्मा साहब किस तरह से देखते हैं इस नए आप अपने जिला अध्यक्ष को? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बहुत ही सहज सरल मृदुभाषी समझदार और व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। मेरे छोटे भाई समान है और जब हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं NSY में जिला अध्यक्ष बने, वो यूथ कांग्रेस में महामंत्री पद रहे पार्षद भी रहे, हमेशा से बहुत ही पैनापन उनके अंदर रहा उनके काम को लेके। अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रयास कोई भी करता है लेकिन परिवार में चार बच्चे होते हैं उसमें सबसे होनहार कौन है, आवश्यकता अनुसार सामायिक कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए। मतलब डॉक्टर शर्मा से होनहार कोई नहीं था कांग्रेस के पास, ऐसा माना चाहिए? देखिए हर आदमी ये कहता मुझसे कोई अच्छा नहीं है लेकिन मुखिया तय, हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, इस बात हम तो आपके निर्णय की बात कर रहे हैं। इस बात को मुखिया परिवार का मुखिया यानी हमारी पार्टी का नेता इस बात को तय करता है कि यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया जी हैं निश्चित तौर पर उनका जो सोच है उसका हम स्वागत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगा कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से बेहतर और निश्चित तौर पर कोई ना कोई देखी होगी उनने उनका भी अनुभव है और पहचान है उनको। 2001 से तो है ही है वो राजनीति में, 17 साल का अनुभव हर आदमी को देखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहचान है, बहुत ही पैनापन उनके अंदर है, जितने वो सक्रिय हैं जितना वो क्षेत्र में जाते हैं कोई सांसद नहीं जाता, जितने आम आदमी से मिलते हैं कोई भी नेता नहीं मिलता। दावा है मेरा इस बात का कि ग्वालियर की पर तीनों सीटें भाजपा पे, एक बड़ा सवाल सिंधिया जी के लिए ही है। देखिएगा उसका दूसरा कारण क्यों, भारतीय अगर इतनी संपर्क है भारतीय जनता, कांग्रेस करती है ईमानदारी की राजनीति भाजपा करती है बेईमानी की, झूठ बोलने पे भाजपा ज्यादा विश्वास करती है। चलिए हम लोग झूठ लौटेंगे, किस तरह से देखते हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की नियुक्ति को और खासतौर से आने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब कम समय और एक बड़ा टास्क उनके सामने है, अनुशासनहीनता को भी उनको रोकना है, गुटबाजी को भी उनको रोकना है और जो शहर की तीन सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में पाले में बदलने की महती जिम्मेदारी उनकी है। अशोक शर्मा साहब निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस पार्टी एक है, कार्यकर्ता एक है, एकजुटता के साथ में आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। आज आम जनता प्रत्येक वर्ग का आदमी त्रस्त है, परेशान है और इतना मजबूर है कि वो ये कह रहा है कि कितनी जल्दी चुनाव आए, क्योंकि हमको बदला लेना है उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने हमको तमाम प्रकार के बदला तो आपको भी लेना पर 15 साल से कहां आप ले पा रहे हो। देखिएगा आप ये 1993 का इतिहास भी आपको मालूम होगा कि यहाँ बोली नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, एक सीट नहीं आई थी, तब आप अध्यक्ष थे शायद, ये मेरा नाम चलता है लेकिन उसका सिरे कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के नेतृत्व को दूंगा मैं और कार्यकर्ताओं को दूंगा। 2013 के चुनाव में एक भी सीट ग्वालियर में नहीं आ पाई कांग्रेस की, ग्वालियर शहर में तीनों सीटें भाजपा के पास हैं, इसका श्रेय किसे देंगे?
देखिएगा ये कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, तो उन कमियों को हम बराबर चार साल से दूर कर रहे हैं और वो दूर हो चुकी है। गलती है तो सभी की सामूहिक है, सामूहिक और जीत है तो सिंधिया जी की। देखिएगा साहब, नेतृत्व परिवार के मुखिया का ही सम्मान होता है। हार का ठीकरा भी मुखिया का ही दोना। नहीं नहीं, देखिएगा हार का ठीकरा क्यों फिर आप सब ले लेते हो? कार्यकर्ताओं में जो जिस्मकार या फिर एक और ऑप्शन है, अगर जीत हुई है 93 में तो फिर वो भी कार्यकर्ताओं समन्वय में कुछ कमी हो सकती है कार्यकर्ताओं के बीच। चलिए भाजपा की तरफ चलेंगे। कमल वाघीजानी साहब, कांग्रेस अब एक्शन और इलेक्शन मोड में नजर आ रही है और आपके अध्यक्ष को तो बोल भी चुके हैं कि भाई हल्के से अध्यक्ष हैं ये। नहीं, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव की तैयारी करना ही चाहिए और कांग्रेस को भी इलेक्शन मोड में आ जाना चाहिए। हमारी पार्टी तो जब चुनाव लड़के जीत के सरकार में आती है उस दिन से ही इलेक्शन मोड में रहती है। ये भी 6 महीने पहले आए हैं, हालांकि इनके जो अध्यक्ष भी बने हैं वही मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा ये थी कि हमारे पास में जो अशोक शर्मा जी बैठे हैं इनकी घोषणा होने वाली है अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ये बहुत पुराने शायद आपको देना चाह रहे हैं कि वो जब बीजेपी की जीरो लगी थी तो शायद अगर आप फिर आपको परफॉर्मर बनाया जाता तो आप ही कुछ कर पाते। आप ही की बात दोहरा रहा हूं, शायद ये चाहते हैं कि बीजेपी की फिर से बोनी ना हो इसलिए अशोक शर्मा को बना दें। लेकिन बीजेपी की सेवेंद्र में अशोक में कोई अंतर नहीं है, हम पूरे दमदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उसी स्थिति में लाकर छोड़ा। सुन लेते हैं कमल जी को। कमल जी, मैं तो आप ही की बात दोहरा रहा हूँ दिव्य जी, की जैसा आपने कहा कि जब उनके ग्रामीण के अध्यक्ष थे वो बीएसपी से चुनाव लड़ चुके थे, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। देवेंद्र शर्मा जी भी 1998 में नर्दली के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। बनाते हैं, आप बुला के मंत्री बना देते हो। मेरी बात तो सुन ली, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल, 1998 चुनाव लड़े, उनको अध्यक्ष बनाया। पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 70 साल से राज कर रही है। जो एक कोई चीज अस्तित्व में आती है उसका विनाश भी एक निर्दन होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, इनके नेतृत्व का संकट है, इसलिए ये समर्पित कार्यकर्ताओं को छोड़कर तो इन्होंने पीसीसी चीफ मैं आपके जब काउंटर कर रहा हूँ आपकी, आप नेतृत्वहीन पार्टी बोल रहे हैं तो अब राहुल गांधी भी 18 महीने से भी आपने कहा 18 महीने से इनका पहाड़ निकली चुकी है। अगर अध्यक्ष बनाया भी तो ऐसा अध्यक्ष बना जो इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका है, तो ये मानना चाहिए इनके सामने नेतृत्व का संकट है, इनके पास नेता नहीं है, नई भर्ती इनके हो नहीं रही है, नए कार्यकर्ता जोड़ नहीं पा रहे हैं, पुरानी पीढ़ी अलग होती चली जा रही है, जो बचे खचे उनमें से अध्यक्ष बनाया है। अशोक शर्मा साहब, होदा पहाड़ निकला चूहा, अब चूहा या शेर या आप ही बताओ। पहाड़ में हमेशा शेर रहता है, चूहा नहीं रहता। और देवेंद्र शर्मा शेर है, छोटी छोटी सुरंगों की शायद बात कर रहे हैं वो। देवेंद्र शर्मा शेर है और जब शेर रोड़ों पे आके गली मोहल्लों में जाके दहाड़ेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी उसकी चीख नहीं सुन पाएंगे। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही सक्रिय, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही कर्मी होगी। तो 60 वर्ष के लड़के, 60 वर्ष से क्या, अभी 50 साल की उम्र होगी, बहुत से बहुत बता रहा हूँ मैं। प्रदेश स्तर पर देखते हैं बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। दिग्विजय सिंह साहब की बात कर लें, सुरेश पचौरी साहब की बात कर लें, रमेश अग्रवाल साहब को भी ग्वालियर से एडजस्ट किया गया है, रामवरण सिंह साहब को भी किया गया है। किस तरह से देखते हैं इस फेरबदल को प्रादेशिक स्तर पर? देखिएगा, योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा जाए ये हर पार्टी का प्रयास होता है। आप कहाँ लड़ पाते हैं कमलनाथ जी? कमलनाथ ये सवाल आपके पार्टी अध्यक्ष बने हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे मुखिया बने हैं महाराज सिंधिया, वो पिछली बार भी। ये दोनों निश्चित तौर पर इतने तैयारियों के साथ में आने वाले हैं इस चुनाव में कि यह ऐसा माना जाए टीम को जोड़कर चलने। एक सवाल करूंगा यहाँ पे, क्या ऐसा माना जाए कि पिछली बार सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे तो कुछ नहीं कर पाए,
इस बार कमलनाथ जी साथ में आ गए तो शायद कुछ परिणाम बेहतर आ पाए। देखिएगा, एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक मिलके 11 होते हैं। और फिर एक अकेले रह जाए तो शून्य हो जाता है। हाँ। आप देख लेना, जनता को जिस प्रकार के झूठे नारे दिए, प्रलोभन दिए, तमाम प्रकार के जो आडंबर दिखाए, धर्म की बात करी, जाति की बात करी, जनता आकलन करेगी। छलावा हुआ था कांग्रेस के साथ, जनता आकलन 2013 में छलावा हुआ था, जो इस बार नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा, निश्चित तौर पर 18 में क्या होता है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, साथ होता है कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है। चलिए, आत्मविश्वास बेहतर बात है, कब बैठे आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है। मांडरे साहब, प्रादेशिक स्तर पर जो फेरबदल हुआ है, 6 लोगों की टीम और उसमें और नए लोग अब जोड़े गए हैं, चाहे वो चुनाव अभियान समिति की बात करें या अन्य कार्यकारी अध्यक्षों को हम देखें, क्या माना जाए कि वाकई इस बार कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, कांग्रेस वास्तव में गंभीर है, आने वाले चुनाव को देखते हुए 5-6 महीने का समय रह गया है। और इसी दृष्टि से पार्टी संगठन ने कल जो नियुक्तियां की, हाँ, जो जिला अध्यक्ष, लेकिन हमें उसमें यह भी देखना पड़ेगा, गंभीर होने के साथ साथ इसमें खेमेबाजी भी साफ दिखाई दे रही है। कमलनाथ जी के बहुत ज्यादा जिला अध्यक्ष, चंबल संभाग में जो जिले हैं वहीं पर ही सिंधिया जी के जो नेता हैं वो अध्यक्ष बने हैं, सिंधिया जी के समर्थक, बाकी ज्यादातर जगह कमलनाथ जी के बने हैं। अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह साहब के भी हैं, दिग्विजय सिंह जी के, बाला बच्चन साहब के भी हैं, सब कमलनाथ जी के ज्यादा हैं। अब कमलनाथ जी के ज्यादा हैं वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल तक कमलनाथ जी प्रदेश की राजनीति से दूर थे, उनकी खुद की रुचि नहीं थी, मतलब एक दूरी सी थी। देखिए, वो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, केंद्र में 4-5-10 दिन पहले वो अध्यक्ष बनते हैं, 15 दिन पहले, और इतनी जल्दी ही तमाम जिलों में उनके समर्थक अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, ये अति महत्वपूर्ण बात है। तो ये लगता है कि ये कैसे, क्या इसे अनुभव माना जाए या मजबूत राजनीतिक पकड़? नहीं नहीं, इसे ये माना जाए कि कमलनाथ जी की आगे की दिशा क्या है, या फिर इसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जाए कि जब अगर पार्टी सत्ता में आती है तो ये आसान नहीं होगा कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आएंगे। सिंधिया जी तो वो अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से पार्टी क्लियर कर देती। हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कमलनाथ जी एक पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में आ सकते हैं। पर फिर भी कांग्रेस, ना इस बार ऐसा माना जा रहा है ना कांग्रेस की राह आसान है ना बीजेपी की राह आसान है। देखिए, ये बात सही है कि 15 साल बीजेपी को सत्ता में हो गए तो जो नेगेटिव फैक्टर होता है वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं लगातार, इसका असर भी उसे झेलना ही पड़ेगा। इसका जो प्रतिकूल असर है जीएसटी से और जो टैक्स लगाए गए हैं, जीएसटी है और है उसका भी, उससे जो रोजगार कम हुए हैं, जो बाजार ठप हुआ है, वो भी एक नेगेटिव बात सामने आई रही है। कमल बाकी जाने जी, आपसे जवाब लेंगे, आपकी पार्टी पर सवाल। देखिए, हम तो फिर से मैदान में जाएंगे, हमारे सरकार के जो विकास के काम है उनकी जनहितैषी योजना है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको लेके मैदान में जाएंगे और हमको जनता फिर से समर्थन देगी। हम और आप यहाँ 2018 के बाद फिर मिलेंगे और फिर हमारी सरकार होगी। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार की कोई नीति नहीं है कि इस पर अंकुश लगाया जा सके। निश्चित तौर पे अगर पेट्रोल के ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो उसकी मार नीचे सामान्य व्यक्ति तक पहुंचती है और महंगाई, उसको हमारे संगठन ने बड़ी गंभीरता से लिया है। कल ही अमित शाह जी ने अपने प्रेस वार्ता में कहा है कि हम 2-3 दिन में इस पर बैठक करके इसका समाधान सरकार को सुझाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ अगले 2-4 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कुछ नियंत्रण होने की संभावना। ये तो हम 4 साल से सुन रहे हैं, 4 साल से इस पर कुछ ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए था आपकी गवर्नमेंट को, जो अभी तक सामने नहीं आया। देखिए सर, ₹34 पेट्रोल से बढ़कर ₹76 हुआ था, अब ₹76.82 हुआ है। उस पर भी हमारी सरकार गंभीर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर संज्ञान लिया है और बैठक बुलाकर इस विषय पर विचार करने की बात बताइए। मुझे संभावना आएगा 3-4 दिन में ये कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। अशोक शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, उस समय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल के दाम ₹53 लीटर थे, जबकि कच्चे क्रूड का भाव विश्व स्तर पर 140 तक पहुंच गया था, 140। अभी बीच में 31 तक आ गया, मतलब 100 से कहीं ज्यादा कम हुआ, उसके बावजूद भी 60-65-70 रुपए से कम नहीं हुआ, जो आज
81 रुपए पे, 72 रुपए पर डीजल है। ये जो किया गया उसका कारण ये है कि सेंट्रल ने जो कस्टम ड्यूटी लगाई है बहुत बड़ी मार है आम आदमी पे। हर देश के आम आदमी की जेब पे एक बोझ डाला हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने, कि एक्साइज ड्यूटी लगा दी और उसके बाद में सारे राज्य अलग लगाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पूरे देश में जितने राज्य हैं सबसे ज्यादा टैक्स हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में लिया जा रहा है। आम आदमी के तेल के नाम पे तेल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, परेशान है, हाथ जोड़ रही है, बड़ा सवाल विपक्ष के लिए, लेकिन सुन नहीं रहा ना विपक्ष, चीख रहा है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जीएसटी की हम मांग कर रहे हैं, जीएसटी लगाना चाहिए, पूरे देश में समानता का एक माहौल बने टैक्स के रूप में। पेट्रोलियम पदार्थों को एग्जेम्प्ट रखा गया आपकी, अगर मैं अशोक जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने एक्साइज ड्यूटी और आपने वेट की बात की जी, क्या आप ये यहाँ घोषणा करेंगे कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई तो एक्साइज ड्यूटी और वेट पूरी तरह से खत्म कर देंगे पेट्रोलियम पदार्थों पर? आप सत्य मानिएगा, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की है, हरजनों की है, पिछड़ों की है, व्यापारियों की है, किसानों की है, हर आदमी के हक में तो कांग्रेस हमेशा सोचती रही है। और ये सारी चीजें आज आप ये देखिएगा, आपकी बात में गंभीरता से ये मंथन टैक्स आज जितना लग रहा है उतना नहीं लगेगा, इस बात की तो गारंटी मैं लेता हूँ। एक कार्यकर्ता बताओ, हम कह रहे हैं कि जीएसटी की तो मांग कांग्रेस कर रही है ना, जीएसटी की बात तो नहीं हो रही, उसमें 3 और 4 रुपए का अंतर आ जाएगा। आज अगर ये सरकार जीएसटी में जाती है तो आज पेट्रोल डीजल के दाम में कम हो जाएंगे, तो कांग्रेस के एजेंडे में है बीजेपी और जनता को मार झेलनी ही पड़ेगी। मैं वापस प्रदेश से ग्वालियर के मुद्दे पर, वक्त की कमी है, छोटी सी टिप्पणी और आप लोगों की लेना चाहूंगा। माडरी साहब, आप 18 महीने का समय लगा ग्वालियर के जिलाध्यक्ष घोषित करने में, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर दर्शन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर दर्शन सिंह जब नहीं रहे थे, जब वो अध्यक्ष थे, उसके बाद रमेश अग्रवाल साहब ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद के तौर पे एक औपचारिकता पूरी हो रही थी। 18 महीने का समय एक बड़ा समय है, क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? कमलनाथ जी अध्यक्ष नहीं होते, चुनाव अभी करीब नहीं होते, तो ये तय मानिए कि अभी 2-3 साल और निकल जाए। बिल्कुल, जैसे दतिया में सीट खाली पड़ी थी जिलाध्यक्ष की, वैसे यहाँ भी चलता रहता। और देवेश शर्मा की बात करें तो देवेश शर्मा को बनाने में, देवेंद्र शर्मा को बनाने में हजीरा क्षेत्र की गुटबाजी भी सामने आई है। हजीरा क्षेत्र में ये था कि प्रद्युम्न तोमर, देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र तोमर वो नहीं चाहते थे कि हजीरा क्षेत्र का, उपनगर ग्वालियर का कोई पार्टी नेता यहाँ से अध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बने, विशेष रूप से अशोक शर्मा। तो इसलिए पूरा दामोदर उनका ये था कि किसी और क्षेत्र का ब्राह्मण नेता अध्यक्ष बन जाए, यदि अशोक शर्मा जी वहाँ से बनते तो उनका वजूद कम होता, उनकी वहाँ जो हाइट है ये भी डाउट कम होती है। ये फैक्टर भी सामने आ रहा, शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, एक ग्वालियर पूर्व में दो गुटों का संतुलन बिठाना, ग्वालियर में, उपनगर ग्वालियर में दो गुटों का संतुलन बिठाना, ये डॉक्टर शर्मा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। अनुशासनहीनता चरम पर है, रमेश अग्रवाल साहब कई बार इसका शिकार हुए, तो ये एक बड़ी चुनौती डॉक्टर शर्मा के लिए रहेगी आने वाले समय में। नहीं, बहुत ये बात तो सही है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर जगह खेमेबाजी रहती है, लेकिन खेमेबाजी अगर चुनाव में वोटों का बिखराव कर दे, पार्टी के वोटों का, तो ये ठीक नहीं है। यही देवेंद्र शर्मा जी को आगे देखना होगा। क्या लगता है कितनी रहा आसान, कितना कांटों का ताज? देखिए, रहा अभी प्रदेश में थोड़ा सा अनुकूल माहौल तो कांग्रेस का बन रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की बात कर रहा हूँ, देवेंद्र शर्मा के तारतम्य देवेंद्र शर्मा सवाल है। देवेंद्र शर्मा की राह में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देवेंद्र शर्मा पर सबको साध के चल पाना ये बड़ी मुश्किल का नहीं, कांग्रेस एक है,
नहीं, एकजुटता के साथ हम सब एक। देखो क्या होता है, ग्वालियर और उपनगर के दो गोटों को तो संभालो, कहना पड़ता है बार बार में। हम किसी के साथ थोड़ी है भाई, हमसे ज्यादा बेबाक बोलने वाला कोई आदमी नहीं होता। इनको बार बार कहना पड़ता है, बोलता हूँ काने को काना कह देता हूँ, इससे बड़ा अपशाप और क्या होगा। नेता कभी सही नहीं बोलता, लेकिन मेरी पहचान सही बोलने को लेके है, और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। ग्वालियर पूर्व में दो बड़े नेता आपके आपस में भिड़ते रहते हैं। कोई नहीं, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के छाते के नीचे सब चलाते, एक पैरेलल डीसीसी चलाते ना। ग्वालियर में कोई खेमेबाजी है ना, पूरब में ना दक्षिण में, तो और ना ग्वालियर जिले में और ना मध्य प्रदेश में, पूरा एक कांग्रेस रूपी छाता के नीचे समूचा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। बड़ी काल्पनिक बात कह दी आपने, हम बहुत हकीकत बात बोल रहे हैं साहब। मांडे साहब क्या कहेंगे काल्पनिक बात, काल्पनिक बात की हकीकत आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी और सीसीडी सिंधिया जी पार्टी के प्रमुख नेता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये आने वाली है कि टिकट किसी एक को ही मिलना है, और लेकिन जो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं टिकट के लिए, सही बात है, दिल्ली भाग रहे हैं और सड़क की राजनीति कर रहे हैं, उनके जब सपने चकनाचूर होंगे तो फिर वो बागी उम्मीदवार के रूप में, जैसे देवेंद्र शर्मा खड़े हुए थे बागी उम्मीदवार के रूप में, जो वर्तमान में पार्टी जिलाध्यक्ष है खुद एक समय में, तो वैसे बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। जो वर्तमान में ग्रामीण अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ है, वो हाथी की सवारी कराए, बसपा से टिकट ले आए, उसके बाद आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया, तो ये बड़ा सवाल है आपकी पार्टी के लिए। तो ये जो अशोक शर्मा जी, एक मिनट जवाब लेते हैं इनसे, अशोक शर्मा साहब बड़ा सवाल है कि नहीं? नहीं, देखिएगा किन परिस्थितियों में देवेंद्र शर्मा का आज इंटरव्यू आया है, दैनिक भास्कर में शायद आया है कि मैं इसलिए खड़ा हुआ कि उस समय रमेश अग्रवाल जी जो हमारे संयोजक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वो मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस के प्राथमिक, तो उस हिसाब से उनको जब टिकट मिला इसलिए मैंने आक्रोश बस भर दिया। महाराज ने जब समझाया तो विड्रॉ करने गए, उस समय तक समय निकल गया था, और बेचारा वो उस समय मानना तैयार था। दूसरी आपने काल्पनिक बात बड़ी अच्छी की। फिलहाल अब आपको वक्त की कमी है, शुभकामनाएं देंगे कि इस बार बेहतर मुकाबला आप कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस आश्वस्त है, थोड़ी सी काल्पनिक है, आने वाला समय तय करेगा कि ये कल्पना वाकई, ये हाइपोथेटिकल चीजें ही रहती हैं इनके लिए, वाकई हकीकत में कुछ बदल पाते हैं। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।